और ये मोस्ट पॉपुलर टाटा सफारी का GTS कॉन्सेप्ट है, जो एक डिजाइनर के द्वारा बनाया गया है और जो बहुत ही ज्यादा बेहतर लग रहा है। सफारी के रेड एंड ब्लैक कलर को देखने के बाद आप कुछ सोच रहे होंगे कि सफारी का रेड एंड ब्लैक कलर कितना ज्यादा कूल लग रहा है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टाटा अपनी सफारी का 4x4 वेरिएंट लॉन्च करने वाला है, जिसको कई बार कैमोफ्लेज के रूप में देखा गया है। लेकिन सफारी का यह रेड एंड ब्लैक कलर जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा कूल और बेहतरीन लग रहा है, और जिसका सीधा मुकाबला अपकमिंग महिंद्रा XUV700 से होने वाला है, और टोयोटा फॉर्च्यूनर और जीप की अपकमिंग जीप कमांडर से हो सकता है। और जो यह वेरिएंट लॉन्च होने वाला है, जो सीधा मुकाबला XUV700 को देने वाला है, क्योंकि महिंद्रा की XUV700 फर्स्ट इन सेगमेंट के साथ कई सारे फीचर के साथ लॉन्च होने वाली है। और यह टाटा सफारी का GTS कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर टाटा 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन ऑफर करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको मिलेगी अराउंड 180 BHP की पावर और 380 Nm का टॉर्क। लेकिन जो अब सफारी आती है उसके अंदर आपको पेट्रोल ऑप्शन नहीं मिलता, और ना ही इस सफारी के अंदर 4x4 वेरिएंट आता है। और कस्टमर्स की डिमांड्स की वजह से टाटा अपनी सफारी के अंदर 4x4 वेरिएंट लॉन्च करने वाला है, जिसको कई बार कैमोफ्लेज के रूप में टेस्ट करते हुए देखा गया है। और यह टाटा सफारी का GTS कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है। आप इसको फ्रंट से और रियर से देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक दे रहा है यह GTS कॉन्सेप्ट। और अगर आप इसके साइड प्रोफाइल की देखोगे तो आपको साइड प्रोफाइल से कितनी ज़्यादा कूल लग रही है, जो इसके रेड एंड ब्लैक कलर के अलॉय व्हील देख सकते हैं आप इसके ब्लैक कलर के, और जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी भी लग रहा है। और 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही है ये पिक्चर्स, और आपने ये पिक्चर्स काफ़ी देखी भी होंगी। अगर आपने नहीं देखी और देखी हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इसके फ्रंट प्रोफाइल को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही है इसकी फ्रंट प्रोफाइल से, जो इसकी ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है ग्रिल। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखोगे कि तो टाटा सफारी को काफ़ी ज़्यादा नीचे कर दिया गया है, और इसके जो अलॉय व्हील है वो ब्लैक कलर के कर दिए गए हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है। लेकिन टाटा अपनी सफारी का रेड एंड ब्लैक कलर लॉन्च करेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन टाटा अपनी सफारी का फुल ब्लैक यानी डार्क एडिशन लॉन्च करने वाला है, जिसको हम जल्दी ही देखेंगे शोरूम पर। अगर टाटा अपनी सफारी का रेड एंड ब्लैक कलर लॉन्च करता है तो कहीं ना कहीं हुंडई अल्कज़ार, MG हेक्टर और XUV700 को जबरदस्त टक्कर देने वाली है लुक्स के मामले में। और टाटा अपनी सफारी का इस वेरिएंट को और टाटा अपनी सफारी के 4x4 वेरिएंट को जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।